आपने HM में डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं होंगे, कभी भी जॉबलेस नहीं हो सकते आप। आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज आती रहती है जॉब में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोगों ने मार्केट में एक ऐसी पहचान बना दी है होटल लाइन को लेके कि HM में डिग्री और डिप्लोमा जो करने वाले हैं वो कम है। डू नॉट चूज होटल मैनेजमेंट एज अ करियर, ये टाइटल वीडियो में इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट में एज अ करियर सबके लिए नहीं है। बहुत मतलब मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, जबकि वो HM में डिग्री डिप्लोमा करने के बाद इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एज अ करियर हमें क्यों सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होटल लाइन सभी के लिए नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिफोर कमिंग इन होटल मैनेजमेंट यू मस्ट हैव टू नो योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट अगर आप होटल लाइन के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू लीव, आपको छोड़ना ही पड़ेगा फ्यूचर में आगे, चाहे एक साल बाद, दो साल बाद, छः महीने बाद, वाट एवर, जो भी एक टाइम पीरियड आप निकालेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में जो पर्सनल लाइफ इंसान जीना चाहता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको जीने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, फंकी स्टाइल में रहना चाहते हैं, दिस ऑल द थिंग विल हैव टू लीव इन होटल मैनेजमेंट। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि होटल लाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप एक्चुअल में पैशनेट हैं अगर आप होटल लाइन में आना चाहते हैं तो ये आप खुद से पूछिए कि आप एक्चुअल में पैशनेट हैं इस चीज़ के लिए। अगर पैशनेट हैं तभी आप होटल लाइन में आइए, अदरवाइज़ आपको भी होटल लाइन छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको स्ट्रेस मेंटली ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको ड्यूटी टाइमिंग का एक वो शेड्यूल नहीं होता है जो बैंकिंग, रेलवे या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में, अदर फील्ड में जो जॉब की 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी होती है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन होटल मैनेजमेंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेकंड, मतलब बहुत ज़्यादा एक वर्क के बारे में बात की जाती है, लाइक होटल मैनेजमेंट में वर्क का बहुत बड़ा रोल रहता है कि क्या काम होता है, कितना काम होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क होता है एंड ऑल दैट। सो मैं कहूँगा कि इसमें हार्ड वर्क होता है, सो गाइज मैं कहूँगा कि होटल मैनेजमेंट में हार्ड वर्क होता है, यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड। वेन एवर यू स्टार्ट योर ITZT और लाइक एट द GSA लेवल इन लाइक इन एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, किचन, सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस अलॉट ऑफ चैलेंजेस, अलॉट ऑफ हार्ड वर्क इन स्टार्टिंग एज फॉर 1 year or 2 year, दैट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग, लाइक मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं इन माई स्टार्टिंग। तो अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं 12 घंटे, 11 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे इन योर स्टार्टिंग 1-2 साल तक, देन डेफिनेटली होटल लाइन आपके लिए, अदरवाइज आपको होटल लाइन में नहीं आना चाहिए, एज अ करियर होटल लाइन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि अब हार्डवर्क तो बोलते हैं कि एजुकेटेड हैं लाइक एंड ऑल दैट, बिकॉज होता क्या है स्टार्टिंग में आपको वो सब करने का मौका नहीं मिलता है, डीलिंग ऑफ द गेस्ट, फ्रंट ऑफ द गेस्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग, यू कॉन्ट डू इट बिकॉज आपके पास वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज नहीं होती है इन स्टार्टिंग। सो दैट यू विल हैव टू डू ऑल द स्टार्टिंग वर्क, जो आपका स्टार्टिंग लेवल का काम होता है वही आपको करना पड़ता है। भाई आपका थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं, स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा होता है, मेंटली स्ट्रेस मतलब इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्टिंग में यू विल हैव टू डू लाइक एज अ प्रैक्टिकली ऑल द वर्क एंड देन आफ्टर दैट आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी रहता है इसमें, लॉन्ग टाइम ड्यूटी, एक आपका स्लीपिंग शेड्यूल नहीं होगा, आपका ईटिंग शेड्यूल नहीं होगा, दिस ऑल द थिंग यू विल फेस इन स्टार्टिंग। जो है फिक्स नहीं होता है बिगली ऑफ होटल लाइन के अंदर, ये चीज़ें आपको विल हैव टू बी अंडरस्टैंड। ये मैं कहीं ना कहीं आपको लाइक ऐसा नहीं सोचना आप कि मैं आपको निगेटिव कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिटी में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, वी फेस लाइक दिस ऑल द चैलेंजेस इन स्टार्टिंग। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या काम होते हैं, एज अ करियर हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ग्रूमिंग, मतलब ग्रूमिंग, वेल ग्रूम्ड आपको रहना पड़ेगा, आपको लाइक लॉन्ग हेयर आप नहीं रख सकते हैं, पर डे सेविंग आपको करनी पड़ेगी, वेल मेंटेन्ड अपने आपको रखना पड़ेगा, दिस ऑल द थिंग। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ
बिकॉज ऑफ, मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ, नॉट लाइक कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। और कई बार मैंने देखा है कि किसी को नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई नॉनवेज को हाथ नहीं लगाते हैं, चिकन मटन एंड फिश एंड ऑल दैट। सो आपको मैं कहूँगा कि वो चीज़ें भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी बिफोर कमिंग इन होटल मैनेजमेंट। यू मस्ट सर्चिंग आउट ऑल द थिंग रिगार्डिंग लाइक होटल मैनेजमेंट, जो भी आपने देखना है, जिस भी फील्ड में जाना है आपने, डिटेल में जानो आप हर टॉपिक के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में। बिकॉज होटल लाइन में जब बंदा आ जाता है, देन यू डोंट हैव मच मोर लाइक ऑप्शन दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम पे आप टाइम दे चुके होते हैं, उस टाइम पे आप चीज़ें कर चुके होते हैं। मैं यही कहूँगा कि बिफोर कमिंग इन होटल मैनेजमेंट आप चीज़ों को सर्च कीजिए, चीज़ों के बारे में जानिए, डिटेल में जानिए। और एज अ करियर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बड़ा करियर अच्छा बना सकते हैं, अच्छा स्कोप है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबके लिए ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ये करियर आपके लिए एज अ करियर होटल मैनेजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, ये खुद से आप पूछिए। तो कहीं ना कहीं मतलब चैलेंजेस तो आएंगे आपकी लाइफ में। अगर आप होटल लाइन में जॉब करते हैं, किसी भी 5-स्टार होटल में आप जॉब करते हैं, किसी 4-स्टार होटल में आप जॉब करते हैं, तो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मतलब ऐसे मिलेंगे, आप कभी भी एक खाने के लिए कभी परेशान नहीं होंगे होटल लाइन के अंदर, आप कभी पहनने के लिए परेशान नहीं होंगे होटल लाइन के अंदर, आपको जीने का तरीका आ जाएगा होटल लाइन के अंदर। कुछ चीज़ें मतलब ऐसी है ना, रहने के लिए आप परेशान नहीं होंगे मतलब होटल लाइन के अंदर। अगर आप घर से बाहर भी हैं तो रहना खाना पहनना आपका अच्छा होगा। एक और बात होटल लाइन के अंदर ये है कि आप कभी भी होटल लाइन में आप आएंगे और आपने HM में डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं होंगे, कभी भी जॉबलेस नहीं हो सकते आप। आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी, आपके पास जॉब के हमेशा 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में ऑफ़र रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं जॉब में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोगों ने मार्केट में कैसी पहचान बना दी है होटल लाइन को लेके कि HM में डिग्री और डिप्लोमा जो करने वाले हैं वो कम हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है अपनी कंट्री में, इंडिया में भी और आउट ऑफ कंट्री भी। सो दैट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप होटल लाइन में आइए और एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। बाकी आई होप यू कि मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किया है आपके साथ में। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ, तो वहाँ पर हम चैट कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट, कोई भी हेल्प आपको चाहिए मुझे बताइए। बाकी यू कैन चेक आउट माय चैनल, बहुत सारी वीडियोज आपको होटल लाइन के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपसे कहीं ना कहीं दोबारा फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।